69,000 सहायक भर्ती परीक्षा का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। अभ्यर्थी इस परीक्षा को रद्द कराने की मांग को लेकर आए दिन चयन बोर्ड के कार्यालय का घेराव कर रहे हैं। वहीं सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी का कहना है कि पर्चा आउट होने की बात निराधार है। लगातार शिक्षक भर्ती परीक्षा जो ये योगी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, ये शायद ड्रीम में ही कहीं ना कहीं खो जाएगा, क्योंकि लगातार अनियमितताओं की भेंट चढ़ी है। शिक्षक भर्ती परीक्षा एक बार फिर से पुनः पेपर आउट होने सहित कई सारी ऐसी गड़बड़ियों की ये फिर से भेंट चढ़ने वाली है। जैसे कि विगत 68,500 भर्ती परीक्षा का जो हाल हुआ था, वही हाल ये 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा का होगा। हम केवल इतना ही कहना चाहते हैं, जिन्होंने इसमें पैसा दिया है, जो धांधली करा रहे हैं, अगर ये रद्द हो जाएगा तो भ्रष्टाचार खत्म होने की पहली शुरुआत तो यहाँ से हो ही सकती है। दूसरी चीज, जो हम लोग इतनी मेहनत करके दिन रात एक करके पढ़ाई करते हैं, उस पर ये बहुत बड़ा हमला हम लोगों को एक तरीके से वो किया जा रहा है कि आप लोग मत पढ़ाई करिए, बस पैसा दीजिए आपको सिलेक्शन मिल जाएगा। तो पढ़ने वाले बच्चों के साथ ये बहुत बड़ा अन्याय है।